जिंदगी कैसा बना डाला ये सपनों का शहर, जिंदगी कैसा बना डाला ये सपनों का शहर। अश्क गिरते हैं तो गिर जाता है, अश्क गिरते हैं तो गिर जाता है, ये रेत का घर। तुम ये नहीं कर सकती। Try to understand me. Why don't you understand me? तुम्हारी क्या मजबूरी है? मैंने तुम्हें बोल दिया, I accept you in toto. या फिर तुम्हें किसी और की प्रतीक्षा है, वो जो तुम्हारी नजर में तुम्हारा बोझ उठा सके। तुमने अपने ऊपर जो प्राइस चिट लगा रखी है, इतना सब कुछ मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए। नील, तुम कैसी बात कर रहे हो? हो गई तैयारी? बस हो रही मौसी। अच्छा ये बता, नील को शादी क्यों नहीं करने देती? मौसी मैं भला कौन होती उसे रोकने वाली। लखनऊ में नील की माँ मुझसे आकर झगड़ा कर गई, कहने लगी तुम्हारी भांजी के पीछे नील शादी नहीं कर रहा है। मैं तो हक्की बक्की रह गई। अब मौसी लोग तो बातें करते रहेंगे, तुम सभी की बातें सुनती रहोगी क्या? अच्छा ये बता, नील अब भी आता है तुझसे मिलने? आता था, अब नहीं। अब आए तो धुतकार देना। हाँ उसकी माँ और बहन तुम्हारी हर जगह बदनामी करते घूमे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ धुतकार दूंगी मुझे। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं जरा दीदी से मिल के आती हूँ। जी 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 Thank you.
अपनी सेहत का ख्याल रखना है और चिट्ठी भी जल्दी देना है। सब खुश रहो, खुश। लगता है कुछ खटपट हो गई है, इधर काफी दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, हाँ। क्यों बैकबाइटिंग कर रही हो? किसी के बारे में कुछ अच्छा कहना भी सीखो। ये नहीं सोचती बेचारी सुषमा अपने भाई बहनों के इतने बड़े परिवार का बोझ अकेले अपने कंधे पर उठाकर कितना बड़ा त्याग कर रही है। आई रियली एडमायर हर। अम्मा, think of a devil and there he is. How do you like this evening? Nice. Have you eaten? Yes, we have. And I will take your leave. Thank you very much for everything. Thank you so much for coming. So kind of you. Do you have your own car or do you like a cab? No, we have our own car. कैसे आए? बहुत दिन हो गए थे इसलिए मैं चला आया। मुझे लगा था तुम अब कभी नहीं आओगे। अरे खुद ही तो तुम मुझे मना करती हो आने के लिए। मेरी सभी बातें मानते हो ना, तो ये बात भी मान गए? अच्छा बाबा, गलती हो गई, अब नहीं मानूंगा, लेकिन मुझे दोषी मत ठहराना। कहीं चले?
खैर वो सब बातें छोड़ो, चलो तुम और मैं बातें करते हैं इधर उधर की, दुनियादारी की। पता है मीनाक्षी की जल्दी ही शादी होने वाली है और वो मिस शास्त्री है ना, उनकी डियरेस्ट खो गई है। मिस शास्त्री को विश्वास है कि वो अब भी लौट के आएगी, सुबह शाम उसके कप में दूध भरती रहती है, लेकिन मुझे पता है वो कभी नहीं लौटेगी। भौरी का पति आया था ना, उसने उसे मार के फेंक दिया है कहीं। सुषमा, क्या मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं? Why have you become so inhuman towards me? तुम मुझे इतना टॉर्चर क्यों करती? पता है नील, जब फूल की एक एक पंखुड़ी को नोच के फेंक दिया जाता है ना, तो उसको कैसा लगता होगा, ये मुझे अब महसूस होने लगा है। तो फिर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हर पंखुड़ी खामोश है, मौसम उदास है, नजरों में एक धुआं है, नजरों में एक धुआं है, गम दिल के पास है। चलो चलो चलो। पंखुड़ी खामोश है, मौसम उदास है। तुम चले जाओ नील, प्लीज प्लीज। आज तो मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहोगी। एक बार अपनी प्रॉब्लम्स भूलकर अपने बारे में सोचो सुषमा, अपने बारे में। थिंक अबाउट मी। तुम चले जाओ नील, प्लीज प्लीज। तुम चले क्यों गए नील? तुमने जिद क्यों नहीं की? तुम पहले तो इतने हठीले थे, तुमने जिद क्यों नहीं की नील? तुम चले क्यों गए? मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूं। कविता कह के टाल मत देना। तुम्हें अपने पुराने बीते हुए दिन याद नहीं आते? नील के साथ गुजारा हुआ वक्त। मैंने उसे अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंका है। पागलपन था वो सब, मैडनेस। जानती हो सुषमा, जहां से कुछ उखाड़ा जाता है ना, वहां एक गड्ढा बन जाता है। लाख कोशिश करने पर भी उसे आप उसकी वास्तविक स्थिति में नहीं ला सकते। चलो तुम ही मेरे लिए एक रिच बिजनेसमैन ढूंढ लेना, शादी कर लूंगी। फिर घर के आगे आम और अशोक के पत्तों के बंधन बार हो गए, मंडप में कोरे कलश, और मीनू तुम ही मेरे माथे पर चंदन की बिंदियां लगा देना जैसे स्वाति की। सुषमा, एक बार मैंने मीरा दी से कहा था कि जिंदगी कैसे कैसे चलती है, अब देखो कितने दिनों से नील ने खबर तक नहीं ली। सबके कलेजे में ठंडक पहुंच गई होगी,
मैं शास्त्री आराम से सोती होंगी रात को। तुम ऐसा करो, थोड़े दिन के लिए घर आओ। ऐसे कब तक घुटती रहोगी? मीनू, कोई ऐसी दवा दो, सब भूल जाओ। रोज वही चेहरे, वही दोगले चेहरे, घटिया बातें सोचने वाले लोग। रोज उन लोगों को देखती हूं तो सब कुछ ताजा हो जाता है। तुम्हीं ने तो मना किया था ना नील को यहां ना आने के लिए। मैं उसे फोन करूं? नहीं, नॉट अगेन। गर्मा गर्म चाय। आ जाओ भरी। लो दीदी जी, आज दिन भर में तो बिल्कुल ही पानी नहीं आया। लीजिए ना। अरे फिर भूल गई, भूलने की आदत बहुत है मेरे को। अब देखिए ना, अरे बिस्किट लाना भूल गई आपके लिए। दीदी जी, ये दीदी जी को भी तो कुछ समझाया करो ना। अब देखो तो कुछ खाती नहीं है। अरे बात करना तो दूर, हमको तो देखती तक नहीं है आजकल। दीदी जी, आज आप रात को यही रुकोगी ना? अरे रुकिएगा रुकिएगा, हम आपको भिंडी की सब्जी खिलाएंगे, बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो इतने से बात में तुम इतना अपसेट क्यों? After all, she's your सुषमा। इतने दिन साथ रहने के बाद ये मामूली से बात में इतना टेंशन? She loves you, वो तुम्हें चाहती है, पर उसकी कोई उलझने हैं। अगर वो तुम्हें बोली चले जाने को, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें चाहती नहीं है, बल्कि वो चाहती है कि तुम जबरदस्ती करके दरवाजा खोलो, उसके प्रॉब्लम्स को महसूस करो। सी वॉन्ट्स योर मोरल इंस्पिरेशन, तुम उसकी ताकत हो। तुम ये दरवाजा बंद कर दिया और तुम चले आए। सी इज इंट्रोवर्ट, वो अपने प्रॉब्लम्स को बतलाना नहीं चाहती है। ये ठीक नहीं हुआ, इस तरह मान अभिमान से काम नहीं होता है। कम ऑन, रिलैक्स, लेट्स हैव अ वॉक, सुबह तक सब ठीक हो जाएंगे। कम ऑन, कम ऑन। अरे सुषमा, कैसी है मौसी? बस ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कब आई आप? मैं आज ही आई हूँ। और हाँ, कृष्णा ने ना तुम्हारे लिए दो साड़ियाँ भेजी हैं। अच्छा, आप मेरे यहाँ कब आ रही हैं? मैं आऊँगी मैं किसी दिन। वो तुम्हें नील नहीं मिला? नील भी आया है मेरे साथ, वो कल जा रहा है ना। कहाँ? उसकी फर्म उसको बाहर हॉलैंड भेज रही है, कल रात की उसकी फ्लाइट है। आज का दिन मेरे लिए दुख का भी है और खुशी का भी। दुख का इसलिए कि मीरा आज हम सब से विदा ले रही है और इनकी कमी हम सब के बीच हमेशा खलती रहेगी। और खुशी इसलिए कि इनके पति को विदेश में ख़ास तौर से बुलाया गया है। अब मैं हॉस्टल की वार्डन मिस सुषमा शर्मा से दरख्वास्त करूंगी कि वो माइक्रोफोन पर आएं। आदरणीय प्रिंसिपल साहिबा, टीचर्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, इस मौके पर अचानक क्या कहूँ मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। शायद जैसे प्रिंसिपल साहिबा ने कहा, मौका खुशी का भी है और दुख का भी, लेकिन शायद मेरे लिए गम ज़्यादा है, क्योंकि मीरा दी सिर्फ एक कोलीग नहीं थी, बल्कि मेरे लिए बड़ी बहन समान थी। हम लोग पड़ोसी भी रहे,
एक अजीब रिश्ता जिसकी परिभाषा करना बहुत मुश्किल है। आखिर रिश्ते होते क्या हैं? दुनियादारी के तो बहुत रिश्ते हैं, माँ बाप, भाई बहन। क्या जिंदगी में यही रिश्ते होते हैं? क्या वो रिश्ते नहीं जो आपसी प्यार पर दुनियादारी से अलग कायम किए जाएं, जिनकी कोई परिभाषा नहीं है? कभी तो मन करता है कि सब कभी तो मन करता है सारे बंधन तोड़कर चली जाऊं और हमेशा साथ रहूं, चाहे मुझे कैसे भी बनकर रहना पड़े। आखिर मैं कुछ ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम सब की तरफ से मीरा दी को शुभकामनाएं हैं। मीनू, टैक्सी वापस भिजवा दो। तुम क्या कर रही हो सुषमा? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? टाइम बहुत कम है, दिस इज द लास्ट चांस। मैं टैक्सी रुकवा रही हूँ, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। Can I make a local call? Yeah, sure. Thank you. हाँ सुषमा, नील बोल रहा हूँ। तुम मुझे छोड़ने एयरपोर्ट नहीं आई? क्या बात है, तुम बोल नहीं रही हो? देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सारी बातें सुन रही हो। क्या बात है सुषमा, देखो अगर तुम बात नहीं करोगी तो मैं समझूंगा तुमने अपना इरादा बदल लिया। मैं सच कहता हूँ सुषमा, यही समझूंगा मैं। नहीं, ये नहीं हो सकता सुषमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ बहुत आगे आ चुका हूँ सुषमा, प्लीज प्लीज मेरी बात का जवाब दो। कह दो कि तुम आओगी सुषमा, प्लीज मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा सुषमा। तुम बोलती क्यों नहीं हो? प्लीज आंसर मी सुषमा, प्लीज आंसर मी। देखो अगर तुम इस वक्त पीछे हट गई तो मैं बिखर जाऊंगा सुषमा, मैं टूट जाऊंगा। मेरी बात का जवाब दो सुषमा, प्लीज आंसर मी। देखो मेरे सिक्योरिटी चेकअप का कॉल भी आ गया है, मैं उसके बाद तुम्हें फोन करूंगा। तुम सुन रही हो ना सुषमा, मेरी बात का जवाब दे दो सुषमा, प्लीज। आई नीड यू सुषमा, आई नीड यू, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सुषमा।